गया में पति के प्रेम प्रसंग के शक में पत्नी ने एक महिला के बाल काट दिए। वहीं इस घटना को लेकर पति बाल काटी गई पीड़ित महिला को लेकर कोतवाली थाने पहुंच गया। कोतवाली थाना में मामले को लेकर लिखित शिकायत की गई, जिसके बाद कोतवाली थाने के पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में एक महिला और उसका पुत्र शामिल है। मामला गया शहर के एक कपड़े की दुकान से जुड़ा हुआ है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी पत्नी को शक था कि हमसे इनके पति मोबाइल से बात करते हैं। इसी शक के आधार पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में कपड़े की दुकान के मालिक राकेश कुमार ने पीड़िता का साथ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र समेत कई लोगों को इस मामले में शामिल रहने की बात कही। राकेश कुमार ने बताया कि वह मोहन नगर के रहने वाले हैं, मेरी दुकान टावर चौक में संचालित है। राकेश कुमार ने बताया, हमारी दुकान के संपर्क में एक महिला रहती थी, इसे लेकर मेरी पत्नी को हमेशा शक रहता था, इसे लेकर उसे यहाँ से हटा दिया गया तो उसने मदनपुर में अपनी दुकान खोल ली, किंतु आज मदनपुर पहुंचा तो मेरी पत्नी और पुत्र समेत अन्य परिजन महिला से मारपीट की और दुकान पर लाकर उसके बाल काट दिए। वहीं राकेश कुमार ने बताया, इसमें मेरी पत्नी सुभद्रा और पुत्र सौरभ उर्फ अंशु समेत अन्य लोग शामिल हैं। वहीं कोतवाली पुलिस से उन्होंने इस मामले की कार्यवाही की मांग की है और कहा है कि मेरी पत्नी काफ़ी सखी है और मेरे मोबाइल को भी हैक कर देती है। इस संबंध में कोतवाली थाना अध्यक्ष ने बताया कि एक महिला के बाल काटने का मामला सामने आया है, जिसमें दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।